बताया गया है कि अंधविश्वास से दूर रहे। मोहन बीमारी के कारण रो रहा है, माँ उसे समझा रही है। रो मत बेटा, ये लो मंत्र वाला पानी बाबा जी ने दिया है। इससे क्या होगा माँ? इससे तुम्हारी बीमारी छू मंतर हो जाएगी। जैसा बाबा जी ने कहा है वैसा ही कर रही हूँ। मोहन के मित्र आते हैं। मोहन अब कैसी है तबीयत? और क्या बताओ, तबीयत बिगड़ रही है। अस्पताल नहीं गए, दवाई तो लेनी थी। नहीं, जरूरत नहीं है, इसको किसी की नजर लग गई है। बाबा जी ने मंत्र वाला पानी दिया है, दो एक दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी। मोहन तबीयत के ऊपर ध्यान दो, हम निकलते हैं। बच्चे जब घर से निकले तो वहाँ एक बिल्ली आकर उनका रास्ता काटा। लो अब तो हम लोगों का भी काम नहीं होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, बिल्ली ने रास्ता काटा है। अरे देखो तो सामने से गुरु जी आ रहे हैं। गुरु जी भी मोहन के घर जा रहे होंगे। गुरु जी अभी हम सब आपके घर ही जाने वाले थे, पर बिल्ली ने रास्ता काट दिया। गुरु जी दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। हमने देखा मोहन की माँ बीमार मोहन को ई मंत्र फूका हुआ दवाई पिला रही थी। क्यों भला, तुम सब देखते ही रह गए। हम सब क्या करते, उनका आदर जो करना था। देखो बिल्ली का रास्ता काटना, दिल्ली पर छिपना, ये सब अंधविश्वास है, पर सभी लोग तो मानते हैं। बीमारी होने के अनेक कारण होते हैं, दवा ही उसका एकमात्र उपाय है। चलो सब मिलकर मोहन की माँ को समझाते हैं, जिससे उनकी आंखें खुल जाएगी। साथ में मिलकर एक साथ बोलते हैं, अंधविश्वास से दूर रहो, सत्य की पहचान करो। अंधविश्वास से दूर रहो, सत्य की पहचान।